दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी मटकती हुई गांड के बारे में जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि भाई हमारा विकास बंदरों से हुआ है। समय के साथ हम तो बदल गए, लेकिन गांड में खुजली होने के चलते ये बेचारा नहीं बदल सका। काश तब कोई इसकी गांड में हाथ देकर खुजा देता। ये इतना चिरांद आदमी है ना, जब ये पैदा हुआ था तब डॉक्टर ने इसके घर वालों से बस यही कहा था कि बधाई हो, आपके यहाँ बहुत घटिया प्रैंक हुआ है। तो इस चलती फिरती मटकती हुई गांड का नाम है मोनू इब्राहिम। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसकी वीडियो की तरफ। तो चलो फिर शुरू करें। मजा आएगा ना भिड़ो। थारा भाई भोफड़िंदर, ए थारा भाई भोफड़िंदर, आज ऐसी बावली गाड़ो वाली हरकत करेगा किसी ने सोची ना होगी। एक होते हैं वो जो अपने हाथ से गांड खुजाते हैं, दूसरे वो जो खंजर से खुजाते हैं, फिर आता है ये जो लोगों के लंड से गांड खुजाता है। अब इसकी गांड में खुजली ऐसी है जिसके आगे इचकाट भी फेल है। जरा गौर से देखो इसे, ये वही लोंडा है जो खुजली के बहाने अपनी गांड मरवा के खूब पैसे कमाता है। ए थारा भाई भोफड़िंदर, आज ऐसे टूटे पीगा बीड़ी के किसी ने सोची ना होगी। थारा भाई भोफड़िंदर, ये वही लोंडा है जो घंटों गांड घिसके रोने के बाद अपने बाप से 10 रुपए लाता है। फिर आते हैं ये रील्स पे जहाँ ऐसी चूतियों वाली हरकतें करके ये खुद को स्टार समझते हैं। अबे होश में आ जा, नहीं तो यही बीड़ी का टोटा तेरी गांड में ऐसी जगह फिट करेंगे कि जिंदगी भर मुंह नाक की जगह गांड से धुआं छोड़ेगा। इस भोसड़ी वाले के हिसाब से दुनिया गोल नहीं चूतिया है। जब कोई तुमसे स्माइल करने को कहता है तो तुम सब यही तो करते हो। दांत दिखा के स्माइल करने वाले तो चूतिया है, लटके हुए लंड जैसी सूरत है इसकी, तभी तो ऐसी चूतियों वाली हरकतें करता है। बेटा हरकतें सुधार लो अपनी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग तुम्हारी गांड पर थूक के चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब एक सुअर को कीचड़ से भरी नाली दिखाई देती है तब वो यही तो करता है। इसमें और सुअर में कोई खास अंतर नहीं है सिवाय दो टांगों के, शकल और सूरत से दोनों सेम है। भाई अपनी हरकतें सुधार ले, नहीं तो यमराज तेरी गांड साथ में निकाल कर ले जाएगा। मरने के बाद नरक में जाके हैवान को कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, वहाँ पर गांड देकर निपटाने वाले सिस्टम नहीं चलते। तुमने ये कहा है दिल से। अगर किसी ने इसको टाइम पर चप्पल सुखाई होती तो आज इसकी ये बीमारी आगे नहीं बढ़ती। खड़े खड़े मुंह से हगना ही तो टैलेंट है, और इसी को तुम लोग कॉमेडी का नाम दे देते हो। वाह मेरे मुंह से मूतने वाले सुअर, वाह। ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को तो साझा बस्ते में डालकर गटर में फेंक दिया करते थे ताकि इसके जैसा नमूना कोई और ना पैदा हो। तो यार गाइस, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी की बकचोदी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारो, वीडियो को दबा के शेयर करो, और ये जो सब्सक्राइब वाला रेड बटन है इसको दबाओ, और अपने भाई को सपोर्ट करो। तो यार सब्सक्राइब करो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been